क्यों शिव, आज तक मैंने खुद के प्राणों की परवाह किए बिना खुद से पहले नागलोक की रक्षा की। चाहे कोई मेरा सगा था या नहीं, मैंने हमेशा सबकी मदद की और आज आपके सामने मेरे ही प्यार को इतनी बेरहमी से मार दिया गया और आप केवल एक पत्थर की मूरत बन के बैठे रहे। पर ये नागिन अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आज तक मैं एक रक्षक थी, लेकिन अब मैं एक भक्षक बन जाऊंगी जो सब बर्बाद कर देगी। भाविका एक बहुत ही शक्तिशाली नागिन थी जिसने कई दफा नागलोक पर आने वाले संकटों का मुकाबला अकेले किया था। ऐसे ही एक दिन भाविका अपने प्रेमी वेद के साथ वन की सैर करके अपनी गुफा की तरफ जा रही थी कि तभी कुछ इच्छाधारी चील उन पर हमला कर देते हैं और भाविका अपने अर्धनागिन रूप में आकर गुस्से में कहती है, दुष्ट चील, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर और मेरे प्रेमी पर वार किया। आज तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दिए ना तो मेरा नाम भी नागिन भाविका नहीं। नागिन, तू खुद को बहुत शक्तिशाली समझती है। इतना ही यकीन है खुद पर तो कर मुकाबला मुझसे। आज देख ले किसमें कितना दम है। तेरे जैसे दुश्मनों को ना मैं आए दिन साफ करती हूँ। आ कर मुकाबला। इतना कहकर भाविका और वो चील एक दूजे पर वार करना शुरू करते हैं और भाविका उस चील की हालत अधमरी कर देती है। तभी वो चील खुद को बचाने के लिए वेद पर एक जोरदार वार करता है। वार से वेद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और भाविका वेद के पास जाकर चिल्लाते हुए कहती है, तेरी लड़ाई मुझसे है ना तो मुझसे लड़। वेद पर वार क्यों किया तूने? क्योंकि जितना दर्द तुझे तेरे प्यार पर वार करने से होगा उतना दर्द तुझे घाव देने में नहीं होगा। लगता है तुम्हें किसी ने युद्ध के नियम नहीं बताए। शत्रु को पराजय देने के लिए शत्रु पर ही वार करना होता है, ना कि उस पर जो युद्ध का हिस्सा ही ना हो। पर तुम चीलों को ये समझ कहाँ? पर हमें शिव ने समझाया है, नाग नागिनों को भली प्रकार पता है कि कायर और डरपोक शत्रुओं पर वार नहीं करते, क्योंकि वो तो केवल भय से ही मर जाते हैं। और तुझे भी भय था कि मैं तेरी जान ले लूंगी, इसीलिए तूने वेद पर वार किया। बहुत घमंड है ना अपने शिव की महिमा पर। देखना, बहुत जल्द उस शिव के समक्ष मैं तुझसे तेरा सब छीन लूंगा और तेरे शिव कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो चील वहाँ से गायब हो जाता है और भाविका वेद को उठाकर गुफा में ले जाती है और कुछ औषधियों का मिश्रण बनाकर वेद को पिला देती है। कुछ समय बाद वेद को होश आता है। वेद, तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं भाविका, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? बात ये है कि अब मैं तुमसे और अलग नहीं रहना चाहता। अब हम दोनों ने एक दूजे को अपने हर जन्म का साथी चुन लिया है, तो अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। सच में वेद, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही थी कि कब हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बनेंगे। इतना कहकर भाविका खुशी से वेद के गले लग जाती है। कुछ वक्त बीतता है, भाविका और वेद विवाह करने के लिए शिव मंदिर में जाते हैं। हाथों में वरमाला लिए दोनों शिव की प्रतिमा के आगे खड़े होते हैं और तभी भाविका कहती है, हे शिव, आज तक आपने हम दोनों को साथ रखा है, आने वाले समय में भी हमारा साथ बनाए रखना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं वेद पर आने वाले हर खतरे से लड़ सकूं और नागलोक की रक्षा कर सकूं। इतना कहकर जैसे ही वेद और भाविका एक दूसरे के गले में वरमाला डालने को होते हैं, तभी तेज आंधी तूफान आता है और मंदिर में जल रहा तेज दिया हवा से बुझ जाता है और हवा में उड़ता हुआ एक तीर आकर सीधा वेद की पीठ पर गड़ जाता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी भाविका उसे संभालते हुए कहती है, वेद, वेद, क्या हुआ? ये तीर किसने मारा? सामने आओ, किसने वार किया मेरे प्रेम पर? भाविका के इतना कहते ही वहाँ वही चील अपने काफी सारे साथियों के साथ उसके समक्ष आता है, जिसका मुकाबला पहले भी भाविका से हो चुका था। इससे पहले के भाविका कुछ कर पाती, चील के साथी भाविका को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और तभी वो चील कहता है, क्या हुआ नागिन, आज तेरे देव भी साथ हैं, आजा बचा कर दिखा अपने प्रेम को।
जानती है, ये जो तीर मैंने तेरे प्रेम को मारा है, ये कोई आम तीर नहीं, बल्कि एक ऐसा जहरीला तीर है जिसका तोड़ तेरे पास भी नहीं है। कायर, आज भी तूने पीठ पर वार किया, हिम्मत ही तो सामने आके वार करता। देख अब मैं क्या क्या करता हूँ। इतना कहकर चील एक के बाद एक उन्हीं जहरीले तीरों से वेद पर वार करता है और भाविका कहती है, नहीं छोड़ दो मेरे वेद को, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे लो बदला, हे शिव मेरी मदद करो, मदद करो। भाविका शिव का नाम जपती रहती है और वो चील लगातार वेद पर वार करता जाता है और आखिरकार वेद शिव के सामने ही दम तोड़ देता है और सभी चील वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर भाविका का शिव पर बना सारा विश्वास चकनाचूर हो जाता है और वो गुस्से में आकर कहती है, क्यों शिव, आज तक मैंने खुद के प्राणों की परवाह किए बिना खुद से पहले नागलोक की रक्षा की, चाहे कोई मेरा सगा था या नहीं, मैंने हमेशा सबकी मदद की और आज आपके सामने मेरे ही प्यार को इतनी बेरहमी से मार दिया गया और आप केवल एक पत्थर की मूरत बन के बैठे रहे, पर ये नागिन अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आज तक मैं एक रक्षक थी, लेकिन अब मैं एक भक्षक बन जाऊंगी जो सब बर्बाद कर देगी। वेद के पार्थिव शरीर को भाविका जला देती है, पर अब उसके खुद के अंदर जो ज्वाला जल रही थी वो बुझ ही नहीं पाती, जिसे कोई भी बुझा तक नहीं सकता था। भाविका किसी को भी बिना बताए नर्क द्वार खोल देती है और वहां जाकर कठिन तपस्या करती है और कई काली शक्तियों को हासिल करती है। लंबे समय की तपस्या के बाद जब वो नागलोक वापस आती है तो देखती है कि नागलोक पर चीलों ने अपना कब्जा किया है। तभी भाविका उस चील के सामने जाकर कहती है, कायर तू आज भी इन मासूम नाग नागिनों पर अपना जोर आजमा रहा है, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। लगता है खुद पर हुआ घात तू भूल गई है नागिन, अब देख कैसे मारता हूँ तुझे। इतना कहकर वो चील जैसे ही भाविका पर वार करने को होता है, भाविका अपने एक वार से ही उसे मार गिराती है और तभी सभी नाग नागिन चिल्लाने लगते हैं, हमारी रक्षक आ गई, हमारी रक्षक आ गई। रक्षक नहीं भक्षक हूँ मैं, तुम सबकी मौत हूँ मैं, भाविका देगी तुम सबको मौत, सालों से जो शिव की तुम पूजा कर रहे हो वो नहीं करेंगे तुम्हारी मदद, तो कोई हक नहीं है उनके भक्तों को भी जिंदा रहने का, खास तौर पर तुम नाग नागिनों का। भाविका का ये रूप देखकर सभी डर सहम जाते हैं। तभी नागराज भाविका से कहते हैं, भाविका ये सब क्या कह रही हो, तुम तो शिव की परम भक्त थी, फिर तुम ही क्यों शिव के लिए ऐसे कह रही हो। नागराज की बात सुनकर भाविका उस रात का सारा सच सबको बताती है। भाविका इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने वेद की रूह आकर कहती है, भाविका नहीं, ये क्या कर रही हो, ये मत करो, ये गलत है, शिव को दोष मत दो, वो हमारे इष्ट हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, मेरा जीवन इतना ही था, जो हुआ इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था, तुम चाहे कितनी भी लाशें क्यों ना बिछा दो, मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, पर हाँ उस दुनिया में मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा। इतना कहकर वेद की रूह गायब हो जाती है और भाविका जोर जोर से रोते हुए कहती है, शिव भगवान मुझे माफ कर दो, वेद को खो देने का गम मेरे दिलो दिमाग में ऐसा घर कर गया था कि मैं सब भूल गई थी कि वेद तो मुझे वापस से आपके पास ही मिलेगा, नहीं बन सकती मैं भक्षक, मैं एक रक्षक थी और रक्षक ही रहूंगी, लेकिन अब मुझे मेरे वेद के पास जाना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वेद मैं आ रही हूँ। इतना कहकर भाविका भी खुद को खंजर मार लेती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की रूह का मिलन होता है और अपने नाग जन्म में किए वादे के अनुसार दोनों एक साथ धरती लोक पर जन्म लेते हैं और उनकी किस्मत फिर से उन्हें एक दूजे से मिलवाती है।